बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। एक और शाम आपके नाम। मंडे को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट आ रही है जिसके बारे में हम बता दें, तो वो ही चीज़ है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, वो सोना टावर में मिलेगा और सोना टावर में मिल के इंशाल्लाह डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं और बड़ी गर्मा गर्म डिविडेंड आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये क्या डिविडेंड देने वाले हैं इसके बारे में मिलते हैं ब्रेक के बाद। तरक्की की लगन में, जिद्दतों की रोशनी में इस मिट्टी से वफा निभा रहे हैं, खुशियों के बीज बो रहे हैं, बने रहे हम कौम की उम्मीद की किरण। ये है FFC का अज़्म। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर बाबर जीरदी। रूटीन में प्लीज हमारे शेयर को, हमारे जो शेयर के बारे में एनालिसिस हैं, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। आपके दम सम से हमारे चैनल आया हुआ है। तो मंडे को इंशाल्लाह मीटिंग है, इनका पिछला जो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जो फाइनल डिविडेंड का आने वाला है वो 3.5 और 4.5 रुपये के दरमियान है। मैं यही रिपीट करता हूँ कि इनका जो फाइनल डिविडेंड आने वाला है वो 3.5 और 4.5 रुपये के दरमियान है। तो मैं लाम लूँ कि इनका जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र कभी अपने शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंट नहीं करता। तो उम्मीद है कि मंडे को 3.5 और 4 रुपये 4.5 के दरमियान एक अच्छा डिविडेंड के साथ अनाउंसमेंट आएगी। और जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ये शेयर में ना है ना, अभी गर्मी आ गई है और बुक क्लोजर तक ये शेयर 110 और 112 के दरमियान चला जाएगा। बहरहाल ये आपके ऊपर है कि वो आप डिविडेंड खाएँ या बुक अपना इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, डिपेंड करता है आपकी बाइंग क्या है। अगर बाइंग आपका 90-95 पे है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर आपकी बाइंग नज़दीक है 102-104 है तो फिर आप डिविडेंड ले लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट आराम में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबी।